नेता मजा ले रही है, रैलियां निकल रही है और निकल रही है तो भर्ती में कोरोना ज्यादा है कि एक बंदो है जो मध्य प्रदेश में पासी खा गो आर्मी के लिए, वो माँ के लिए खाई हुआ है कि इन सोच राजस्थान सरकार या और भी सरकार है जो की देश के लिए भर्ती निकाल है, चुनाव कर रहे हैं माम कोरोना नहीं है और हमारी भर्ती करा भी कोरोना है। मैंने 12 महीने हो गए तैयारी कर और भर्ती नहीं देखा है, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है और अगर नौकरी नहीं लगेंगे तो हमारी शादी कौन करेगा, सीधी सी बात है। और वो आटा साटा वाली बात है वो हमारे पास है नहीं, जिस बच्चों ने दौड़ की उनका पेपर होना चाहिए डेट पे डेट डाल रहे हैं। नहीं भर्ती नहीं आओगी तो नौकरी कौन लगा, नौकरी ना लगा ब्याह नहीं होगा। सरकार को निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती करावा, नहीं तो कुछ गलत जाएगा। ग्राउंड में 3-3 700 लड़का तैयारी करा जी भर्ती की, जब रैली और सब कुछ हो रहा है जब भर्ती क्यों नहीं हो रही लड़का की। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स, आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो जलको सीकर। जलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब आप खड़े सीकर का जिला स्टेडियम कमान और 8,000 की संख्या में हर रोज बच्चा तैयारी करी ही, 2-2 सालों तैयारी करें, 3-3 सालों तैयारी करें, लेकिन एक बच्चा ने जहां आपकी लाइव कमान 3 बार मौका मिली और पिछली 2 सालों लगातार भर्ती हुई नहीं और भी के बाद में जगह बच्चा देख सको चेयरमैन आकमान से कमान रोज है कि आखिर जब शादी ब्याह हो रही बाकी जगह चुनाव वगैरह रैली बड़े तरीके हो रही तो फिर भर्ती करा भगवान की दिक्कत हो रही है। आज आप सब बच्चों में बात कर और देख सकेंगे कौन कौन सो कत्तो सालों तैयारी कर रहे हैं। तो एक निजी जगह डिफेंस का मालिक ही, तो सर कत्ता टाइम थे बच्चा तैयारी करा रहे हो? शाम में 3 साल से तैयारी करा रहे हो तुम, और 1 साल होगी लड़का को टेस्ट को नहीं रो। पहली बात तो टेस्ट कराया जाए और भर्ती कराया जाए जल्दी से जल्दी, क्यों जब रैली और सब कुछ हो रहा है जब भर्ती क्यों को नहीं हो रही लड़का की। तो लड़का 3-3 साल से तैयारी कर रहा जी, बड़ पक्के बेहतरी जाए की ग्राउंड में 3-3 साल से लड़का तैयारी कर रहा जी भर्ती की। एक एक बच्चा कतो टाइम मिले, कती साल को टाइम मिले तैयारी कर? एक बच्चा ना 18 से 21 साल को जी डी के लिए, ट्रेड में तो कोई मतलब नहीं पद नहीं आते उसमें। अच्छा, तो एक मतलब 3 साल का वो मिलता है और जैसे झुंझुनू तो 3 साल का मान कंटिन्यू हो पाए देख रहे हैं कि 2 साल तो भर्ती हुई को नहीं। हाँ 2 साल भर्ती को नहीं, 2020 में को नहीं सीकर में 2021 में आ गई, तो अब भर्ती करा वो जरूरी है। टेस्ट को नहीं हो रही 2021 में जी भर्ती हो जो टेस्ट को नहीं हो रही, बार बार भर्ती पोस्टपोन कर रहा जी टेस्ट वाला लड़का जी, बार घर आ जाए जी फिर वापस आ जाए जी, घर आ जाए जी फिर वापस आ जाए जी। सर मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और 2 साल में एक भी भर्ती नहीं देखी मैंने। जैसा मन 3 साल होगी कंटिन्यू तैयारी करता, भर्ती को नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सरकार को निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती करावा, नहीं तो कुछ गलत उलझा है लोगों के साथ, सीधी सी बात है बिल्कुल। सर करियर बर्बाद हो रहे सर मेरे बिल्कुल। सर एक कोच ही तो साहब थे, कितनी साल हो तैयारी करवा रहे हो बच्चन? सर जी मैं यहाँ से 2 साल से तैयारी करवा रहा हूँ। नहीं सर अभी कम से कम सीकर भर्ती का देख लो आप, जयपुर से देख लो, नागौर से देख लो, तो अभी कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया, अभी रिटर्न नहीं हुआ उस बच्चों का। जिनका फिजिकल हो गया फिजिकल हो गया तो अभी रिटर्न नहीं हुआ है, और बार बार जो डेट आ रही है आगे पोस्टपोन्ड हो रही है, जब तक यदि ये रिटर्न नहीं होगा तो तब तक ये फिजिकल की अगली आगामी भर्ती भी नहीं होगी। क्या पता सर अभी ये आर्मी का अभी ये रिटर्न भी नहीं हुआ और अभी डेट आई फिजिकल की, वो फिजिकल की वो डेट है वो आगे कर दी गई, तो क्या पता बार 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 पोस्टपोन कर रहे हैं इस बात को। मैं प्रशासन से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आगामी भर्तियां हैं वो चालू की जाए और 2 साल की छूट दी जाए। तो साहब जी हाँ थे कितने सालों तैयारी करो पहले? 3 साल से। 3 साल से तैयारी करो? 3 साल से तैयारी करो, मतलब लगभग 3 साल ही टाइम मिला आदमी? 3 साल लास्ट साल है इस साल। नहीं भर्ती नहीं आओगी तो नौकरी कौन लगा, नौकरी ना लगा ब्याह नहीं होगा। मतलब आर्मी ज्वाइन कर सकते? आर्मी सर हमारा कहना एक ही है, बस जिस बच्चों ने रेस की है उनका पेपर करवाओ पहले तो, और यहाँ पे बंदे रेस कर रहे हैं उनको भी भर्ती फिक्स होनी चाहिए ना, फिक्स नहीं हो रही है। जिस बच्चों ने दौड़ की उनका पेपर होना चाहिए डेट पे डेट डाल रहे हैं। हमारे तो ये एक विनती है भाई, जिस बच्चों ने मुश्किल से कोई की लास्ट है कोई की फर्स्ट है उनका पेपर कराओ भाई जल्दी से जल्दी, एक ही है हमारी। और अगर नौकरी नहीं लगेंगे तो हमारी शादी कौन करेगा, सीधी सी बात है। और वो आटा साटा वाली बात है वो हमारे पास है नहीं, बस यही कहना है कि उन बच्चों का टेस्ट कराओ जल्दी से जल्दी, उनका पेपर होना चाहिए, उनको उम्मीद लेके बैठे हैं वो, उनका काम होना चाहिए ना कम से कम। सर लगातार से 2 साल से सीकर में भर्ती नहीं हो रही है, मेरा सेकंड चांस है और
इससे पहले भी मैंने एक भर्ती देखी है लेकिन अब लगातार भर्ती नहीं आ रही, जिससे मैंने 12 महीने हो गए तैयारी करते और भर्ती नहीं देख पाया, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आगे दिल्ली तक बात पहुंचाई जाए और युवाओं के लिए शिखर रैली भर्ती की सौगात दी जाए। सर लगातार हो रही है, ब्याह शादी भी हो रहा है, रैलियाँ भी हो रही है, लेकिन भर्ती बार बार में आगे से आगे डेट दी जा रही है, एग्जाम की भर्ती दोबारा खराब आ जाएगी, लेकिन कोई कराई कौन जा रही प्रशासन या सेना के द्वारा। और भर्तियां हो रही है लगातार, जैसे राजस्थान में भी हो रही है और देश में भी हो रही है, SSC सारी एग्जाम भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, भर्तियां हो रही है, लेकिन आर्मी की नहीं हो रही। बात ये है कि सर कई दिन होगा पिछली भर्ती भी हुई लेकिन भी के बाद में कोई नोटिफिकेशन बनी आर्मी के द्वारा, साइड भी बिल्कुल बंद है। और एक बार जो भर्ती भी नहीं कराना चाह रहे तो एक बार फॉर्म स्टार्ट कर दिया उन्हें तो और ही बढ़िया माना मैं ये बात ने। लेकिन आप मैडम बंद रहा में 6-7 महीना होगा लगातार फीस दे रहे, कोई मतलब को नहीं मारे और कोई और नौकरी का नहीं भी जासका को नहीं, क्योंकि एक बार रनिंग कर ले उन्हें भी बाद में पढ़ाई भी को नहीं कर सके, इतना बंदा है कोई नहीं पूछ लो पढ़ाई की, कोई कौन पढ़ इसका, सुबह से आप आओ रनिंग करो और घर आ जाओ। रिलेशनशिप की भर्ती चाह रही है, 10 तारीख को स्टार्ट है, अदर स्टेट में चालू है, लेकिन सीकर झुंझुनू चूरू आगे भर्ती झुरू और झुंझुनू 3 साल से बंद है बेचारा भी, तो और एज होगी बैठे अगर कोई लेन देन को नहीं, वो स्थिति है भाई साहब। चुनाव कर रहे हैं, माम कोरोना नहीं है और हमारी भर्ती करा भी कोरोना है, बात है SSC GD की एग्जाम लगी है लगातार एक महीना से चल रही है, बिम भी तो कोई बात होली ने बिकी तो लाग रही है, जयपुर में हुई हमारी भर्ती 1 साल होगी बिकी एग्जाम बोलने को आ रहा है, बात है टोटल रीट की अब एग्जाम आओगी भाभी तो होगी ना, लेकिन अन चुनाव भी कराना, रीट की एग्जाम भी लगानी, सब कुछ, लेकिन आर्मी को कोई नोटिफिकेशन नहीं है, डेली साइड कॉल की भी देखा कोई नोटिफिकेशन नहीं है बस। अब माना घर का कब तक रुपया देगा, कम से कम माना कम से कम 3 साल तो होगी तैयारी करता, अब मेरी लास्ट है तो अगस्त तक भर्ती है, अगस्त तक मेरी लास्ट डेट है, अगर भी पहले फॉर्म लागो भी मैं जिड गई ना कोई मतलब तैयारी का मतलब ट्रेड का मैं लागना हो तो चांस को नहीं, ट्रेड में छोड़े पोस्टिंग का मार्गिंग मैन अब जीडी की भर्ती की जगह हो सके जब तक आप मेरे फॉर्म भी लागना शुरू मतलब भर्ती मेरी उम्र होना पहले पहले अगर भर्ती लाग जाने तो बढ़िया है, अब अगर से पहले पहले मेरे अगर फॉर्म भी लाग जाने तो भी मारे यहाँ जगह हाँ फॉर्म तो लाग गयो, लेकिन सरकार देखो अब की अगर सरकार वैसी तो उम्र देगा मारो मतलब फॉर्म लगवा दे और पिछली जगह भर्ती है वहाँ पेपर करवा दे। मैं कितना दिनों तैयारी करे तू? लगभग 12 महीना हो गया तैयारी करता, सब ना बड़ी भर्ती आर्मी की है, आज देश के लिए सेवा करे, बट बॉर्डर पकड़िया 2 साल हो गया भर्ती नहीं निकल रही है, और अभी न्यूज आई है कि एक बंदो है जो मध्य प्रदेश में पास ही खा गो आर्मी के लिए, वो माँ के लिए खाई हुआ है कि इन सोच राजस्थान सरकार या और भी सरकार है जो देश के लिए भर्ती निकाले और अभी तक भी सरकार जागरूक नहीं है, इसके लिए भर्ती निकलो बहुत जरूरी है, नेता मजा ले रही है, रैलियां निकल रही है और निकल रही है, तो भर्ती में कोरोना ज्यादा है की छोरा अति 2-2 साल हो गया छोरा हाथ गोड़ा तोड़ दिया आपको मेहनत कर दिया और नेता निकाल सुबह 4 बजे आ जावाड़े और शाम को शाम को आ जावाड़े वापस 4:30-5 बजे मतलब कतक घंटा प्रैक्टिस करो अब 1.5 घंटा आराम से प्रैक्टिस करा रहे एक्सरसाइज करा दौड़ करा कोई तैयारी करा चले अगर भर्ती नहीं निकली साहब तो ना कोरोना हिसाब जो वापस लॉकडाउन लगा लग रही है और वापस लॉकडाउन लगा दिया तो भर्ती निकलेगी यार जावाड़े तो सब कतक टाइम तैयारी करे लगभग 1.5-2 साल हो गए सर। और के लगे एक बार भर्ती हो जाएगी भर्ती कौन हुआ भाई साफ सु लॉकडाउन लाग रहे हो गए जहाँ भर्ती कौन हुआ है और जहाँ उत्तर प्रदेश में रहा हम तो लॉकडाउन लाग गो राजस्थान के मायने भी स्कूल कॉलेज बंदी हुई सरकार ने यहाँ खबर चाहो बाकी तरफ सुनी भर्ती जल्दी से निकलाओ बच्चा और एज हो रहे हैं कड़ाई। तो अब आप पहुंचे हैं जिला खेल अधिकारी जी कटे अपने सामने बैठे ही तो सर जगह अपन गाइडलाइन ही वह बता सी की गाइडलाइन ही कितने बजे स्टेडियम खुले कितने बजे ऑफ है। स्टेडियम ओपनिंग का जो कोचिंग आवर्स है वो 6:30 से 9:30 का है और शाम को 3:30 से 6:30 है, उसके पश्चात दिन में स्टेडियम बंद रहता है, अगर किसी ने बुक करवाया है तो उसके हिसाब से उनके लिए अवेलेबल करवाया जाता है। दूसरी कोरोना गाइडलाइन की जो अभी चल रहा है कि ज़्यादा सख्तियाँ किया जा रहा है, मैंने सभी डिफेंस एकेडमियों से जो इनके फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहते हैं सभी से मैंने व्यक्तिगत इनको ऑफिस में बुलवा कर कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के लिए निर्देश दिया है कि जो भी खिलाड़ी आएंगे डिफेंस एकेडमी के हों या खिलाड़ी हैं या कोच के अंडर में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी को मास्क लगाते हुए रोड पर आने हैं, अगर यहाँ बैठ रहे हैं तो बैठे हुए ग्रुप में नहीं बैठे डिस्टेंस का पालन करें मास्क लगाएं। तो मेरा यही संदेश है कि अपना जो आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं करें लेकिन नियमानुसार डिसिप्लिन में रह के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये करें। तो आज का वीडियो थाने को लगे अगर अच्छे लगे तो थे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा दो और साथ ही थारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मिलेंगे कोई यहाँ कहीं वीडियो का मान, तब तक के लिए राम राम साहब जय सिक्कर जय राजस्थान जय हिंद।